पति बस सुन, कल मैं एक अंग्रेज चमड़ी के साथ में होटल में गई थी। क्या पूछता है पता है? अंजू क्या तुम वर्जन है? दोस्तों इस वीडियो में जानिए फिल्म चांदनी बार कैसे बनी। फिर तूने क्या बोला रे अंजू? मैं क्या बोली? अरे दर्जन चले गए कायका वर्जन। फिल्म को डायरेक्ट किया था मशहूर फिल्मकार मधुर भंडारकर ने और लीड रोल में थे तब्बू और अतुल कुलकर्णी। आप उधर नहीं थे, ऑफिस में भी नहीं थे, तो ढूंढते ढूंढते इधर तक आ गया। क्या है अभी भाई का आपके लिए मैसेज है? 20 साल पहले चांदनी बार 28 सितंबर 2001 को रिलीज हुई थी। इस वीडियो में आप जानेंगे बार डांसर पर फिल्म बनाने का आइडिया मधुर भंडारकर को कैसे आया, बार गर्ल्स पे मधुर भंडारकर ने कितना और कैसे रिसर्च किया था, चांदनी बार को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे, तब्बू और अतुल कुलकर्णी को फिल्म में कैसे कास्ट किया गया था, चांदनी बार का बजट कितना था और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा और भी कई सारी दिलचस्प बातें जानिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब जानिए चांदनी बार का कॉन्सेप्ट मधुर भंडारकर के दिमाग में कैसे आया। मधुर भंडारकर ने अपने करियर की शुरुआत राम गोपाल वर्मा की फिल्मों से की थी। मधुर भंडारकर ने राम गोपाल वर्मा की 4 फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम किया था और वो फिल्में थी रात, रंगीला, द्रोही और एक और फिल्म नायक जो आधे में ही बंद हो गई थी। चले मेंढक उठ, चल, माँ बाप को बताएगा तुम्हारे हैं? चांदनी बार फिल्म बनाने से पहले 1999 में मधुर भंडारकर जी ने एज ए फिल्म डायरेक्टर अपनी एक फिल्म बनाई जिसका नाम था त्रिशक्ति। इसका कौन सा बार, कौन सा वो मोरनी बार, बार। कौन तेरी वो वहाँ की गिरा जी ने। त्रिशक्ति बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। उसको बोला मैं तेरे को जिनत अम्बान बनाऊंगा, बोला तेरे को। 5 महीने तो घुमाता रहा उसको, चल जिनत अम्बान की फिल्म ही नहीं बिका उसको साला। फिल्म के फ्लॉप हो जाने की वजह से उन्हें लोग फ्लॉप डायरेक्टर समझते थे और उनको कोई काम नहीं देता था। 1-1.5 साल तक मधुर जी ने काफी स्ट्रगल किया। उनको तलाश थी ऐसे कोई टॉपिक की जिसके ऊपर आज तक किसी ने कोई फिल्म नहीं बनाई है। अभी तो साली ये लोकल ट्रेन बन गई है, कभी कुरला तो कभी बांद्रा। उन्हीं स्ट्रगल के दिनों में मधुर भंडारकर जी 2-3 बार मुंबई के लेडीज डांस बार में गए थे। वहाँ पे मधुर जी ने देखा हर एक बार गर्ल की कोई न कोई मजबूरी है, दर्द भरी कहानी है। तब उन्होंने बार गर्ल्स पे फिल्म बनाने की सोची और जन्म हुआ फिल्म चांदनी बार का। क्या हर लड़की बर्बाद होके आती है, हर मर्द के सामने नाचना या लेटना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन सबकी एक ही मजबूरी है, सबको जिंदा तो रहना ही चाहिए ना। आगे जानिए चांदनी बार की स्टोरी मधुर भंडारकर जी ने कैसे लिखी। मधुर भंडारकर ने स्टोरी लिखने से पहले 8-9 महीने तक काफी तैयारी की थी। मधुर भंडारकर मुंबई के तमाम बार्स में गए थे, वहाँ पे सभी लोगों से मिले, अलग अलग हर टाइप के लोगों से बातें की, कई सारे बार ओनर्स से मिले, वहाँ नाचने वाली लड़कियों से मिले, उनसे मेकअप रूम में जाकर पर्सनली बातें की, उनकी जिंदगी के बारे में जाना, वहाँ आने वाले कस्टमर लोगों से इंटरेक्ट किया, बार में नोट उड़ाने वाले लोगों से बातें की। इस प्रोसेस में मधुर भंडारकर मुंबई के तकरीबन 50-60 अलग अलग बार में गए थे। मधुर भंडारकर ने जाना डांस बार में हर टाइप के लोग आते हैं, ऑटो रिक्शा वाले से लेकर बिजनेसमैन तक, कॉलेज के स्टूडेंट से लेकर कॉलेज के प्रोफेसर भी डांस बार में आते हैं। क्या करता है? क्या कॉलेज में पढ़ता है? कॉलेज पढ़ता है। वी आर प्रोफेसर्स। यू आर प्रोफेसर्स। उसके बाद मधुर भंडारकर जी ने स्टोरी पे काम करना शुरू किया और फिल्म के प्रोड्यूसर आर मोहन को अप्रोच किया। आर मोहन मधुर भंडारकर के टैलेंट को पहले से जानते थे और दोनों साथ में कोई फिल्म करना चाहते थे। चांदनी बार का सब्जेक्ट सुनकर आर मोहन बहुत ही खुश हो गए। आगे जानिए कैसे मान गए तब्बू ये रोल करने के लिए। हैप्पी बर्थडे आपका। मधुर भंडारकर इस रोल में तब्बू को ही लेना चाहते थे और उसी हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी थी। अरे मुमताज, ये शब्बों का साल में बिना मोमबत्ती वाला तीसरा हैप्पी बर्थडे। लेकिन उनका डाउट था क्या तब्बू एक फ्लॉप डायरेक्टर के साथ काम करेगी। चांदनी बार से पहले तब्बू ने आर मोहन की फिल्म सजाए काला पानी में मोहनलाल के साथ काम किया था। 2-3 महीने के जद्दोजहद के बाद में तब्बू ने चांदनी बार की कहानी सुनने के लिए टाइम दिया था। ऑन दी वे मधुर भंडारकर ने आर मोहन से पूछा क्या तब्बू जानती है वो फ्लॉप फिल्म त्रिशक्ति के डायरेक्टर है।
आर मोहन ने जवाब दिया, अगर यह बात तब्बू जानती होती तो मिलने के लिए कभी रेडी नहीं होती, इसीलिए त्रिशक्ति फिल्म का जिक्र जरा भी मत करना। आर मोहन ने तब्बू को जस्ट बताया था, मधुर भंडारकर राम गोपाल वर्मा के असिस्टेंट रह चुके हैं। आर मोहन ने मधुर भंडारकर को ये भी एडवाइस दी, पहले चांदनी बार की स्टोरी सुनाना और अगर तब्बू ने पूछा तो ही त्रिशक्ति के बारे में बताना। साला ये पंटो लोगों ने पूरे कमरे का बगीचा बना डाला है। हिंदी फिल्में बहुत देखती थी क्या तू? शुरू में चांदनी बार का अनकन्वेंशनल रोल सुनकर तब्बू थोड़ी सी अपसेट हो गई। तब्बू उन दिनों अस्तित्व नाम की फिल्म कर रही थी। तब्बू ने कहा, आजकल मेरे पास सभी डायरेक्टर्स ऐसी ही बिना मेकअप वाली फिल्म लेकर आते हैं, कोई भी कमर्शियल फिल्म लेकर नहीं आता। बड़ी अच्छी किस्मत है तेरी। किस्मत अच्छी होती तो गांव छोड़ के यहाँ नहीं आना पड़ता। चांदनी बार की कहानी सुनने से पहले तब्बू ने मधुर भंडारकर से पूछा, अब तक क्या किया है? मधुर भंडारकर ने कहा, नथिंग, जस्ट राम गोपाल वर्मा के असिस्टेंट रह चुके हैं। तब्बू ने फिर पूछा, और क्या किया है? अब मधुर भंडारकर से रहा नहीं गया और ऑनेस्टली अपनी फिल्म त्रिशक्ति के बारे में बता दिया। तब्बू ने त्रिशक्ति फिल्म का नाम तक नहीं सुना था। एकदम ठंडी साली पत्थर के माफिक पूरे मूड की माफिक कर दी, अक्की बोतल का नशा पानी कर डाला। और ये सब चांदनी बार फिल्म की स्टोरी सुनाने से पहले हो रहा था। मधुर भंडारकर को लगा, अब तो मैं गया, कोई चांस ही नहीं तब्बू उनकी फिल्म चांदनी बार में काम करेगी। तब्बू पूरी तरह से अब डिमोरलाइज हो गई थी। आर मोहन ने तब्बू से कहा, मधुर के पास बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है चांदनी बार की और वो उसे जरूर सुने। ना दूध तो यही है, ये देख तू भी एक ढक्कन मार ले, टनाटन हो जाएगी एकदम। उस वक्त मधुर भंडारकर को लगा, अगर ठीक से स्टोरी नहीं सुनाई और तब्बू को फिल्म अच्छी नहीं लगी तो उनको फिल्म इंडस्ट्री में सेकंड चांस नहीं मिलेगा। मधुर भंडारकर ने बहुत ही पैशन और इमोशन के साथ फिल्म की कहानी तब्बू को सुनाई। जब कहानी इंटरवल पॉइंट तक पहुंची तब तब्बू ने कहा, स्टॉप इट। मधुर भंडारकर को लगा शायद तब्बू को कहानी पसंद नहीं आई और आगे वो सुनना नहीं चाहती। क्यों अभी भाई, आजकल भाईगिरी छोड़ के शुरू कर दी क्या? हालांकि ये अनकन्वेंशनल रोल था लेकिन तब्बू को ये रोल इतना पसंद आया कि वो फिल्म करने के लिए तुरंत मान गई और मधुर भंडारकर और आर मोहन के चेहरे पर मधुर मुस्कान आ गई। फिल्म को रियलिस्टिक दिखाने के लिए फिल्म में कोई गाने नहीं डाले गए। मधुर भंडारकर तब्बू को लेकर दो तीन डांस बार गए थे ताकि वो अपने किरदार को जान सके। साला पीली के ऊपर पीली टनाटन क्यों रे बोला? कैसा लग रहा हूँ ना अनिल कपूर? गैंगस्टर पोत्या सावंत के रोल के लिए मधुर भंडारकर ने 30 से 40 एक्टर्स के प्रोफाइल देखे थे। इस रोल के लिए उनको कोई बड़ा हीरो नहीं चाहिए था, जरूरत थी एक रियल एक्टर की, इसीलिए उन्होंने अतुल कुलकर्णी को ले लिया इस रोल के लिए। फिल्म में और भी बड़े एक्टर्स हैं जैसे राजपाल यादव, उपेंद्र लिमये और विनय अपटे। पुराने जमाने मुजरा होता था ना, नवा जमाने का डिस्को मुजरा आई है। अगर हम चांदनी बार के अवार्ड्स की बात करें तो चांदनी बार को एक नहीं दो नहीं बल्कि चार नेशनल अवार्ड्स मिले थे। तब्बू को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला, अतुल कुलकर्णी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला, अनन्या खरे को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिल गया और मधुर भंडारकर को बेस्ट फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। इस फिल्म ने मधुर भंडारकर को वो पहचान दिलाई जिसके वो हकदार थे। अरे मेरी जान, थोबड़ा देख के नहीं खिस्सा देख के पहचानने का। अब सुनिए चांदनी बार की सक्सेस की कहानी। चांदनी बार से जुड़ा एक किस्सा है। जब फिल्म बनकर रेडी हो गई तब चांदनी बार का एक ट्रायल शो रखा गया था। वहाँ पे सभी बड़े लोग और मीडिया से बहुत सारे लोग आए थे। किसी को मधुर भंडारकर से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिल्म खत्म हो जाने के बाद में सभी ने मधुर भंडारकर को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। ये होता है सक्सेस, पल में किस्मत बदल गई। पहले मधुर भंडारकर को कोई नहीं जानता था और फिल्म खत्म हो जाने के बाद में हर एक मीडिया पर्सन मधुर का इंटरव्यू लेना चाहता था। मैं वहाँ नाचने नहीं जाऊंगी मामू, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत शर्म आती है वहाँ नाचते हुए मामू। सन 2001 में आमिर खान की मूवी आई थी लगान। लगान को ऑस्कर नॉमिनेशन मिला था लेकिन कोई पुरस्कार नहीं मिला। काश चांदनी बार को ऑस्कर नॉमिनेशन मिल गया होता तो हमें यकीन है चांदनी बार को भी जरूर कोई ऑस्कर अवार्ड मिल गया होता। चांदनी बार का लेवल मदर इंडिया फिल्म से कोई कम नहीं है। दोनों फिल्मों में दिखाया गया है माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती है। अगर हम चांदनी बार का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चांदनी बार का बजट था 1.5 करोड़। चांदनी बार का फर्स्ट वीक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 1 करोड़ 14 लाख और ओवरऑल चांदनी बार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 6 करोड़ 68 लाख। चांदनी बार को क्रिटिकली अक्लेम किया गया और ये मेन स्ट्रीम फिल्म न होते हुए भी कमर्शियली सक्सेसफुल रही। काय सारखा लपड़ा काढता तुम्ही? नाही रे, बस गाडी। चांदनी बार फिल्म से लोगों का बार गर्ल्स और कॉल गर्ल्स की तरफ देखने का नजरिया बदल गया।
फिल्म का एंडिंग बहुत ही इमोशनल है और दिल और दिमाग पे असर छोड़ जाता है। एक सेकंड लगते शाही, पांच बोलता है। फिल्म में मुमताज यानी तब्बू की बेटी बारगल बन जाती है और बेटा बाप के जैसा खूनी बन जाता है। कुछ लोगों की जिंदगी कब आई और कब चली गई ये उनको पता तक नहीं चलता। पूरी जिंदगी मेहनत मशक्कत जद्दोजहद और मजबूरी में कट जाती है। उम्मीद करते हैं चांदनी बार का सीक्वल चांदनी बार 2 जल्दी आ जाए। दोस्तों ये वीडियो आपका कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को भी जरूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।